Dear students, in my just previous session, I discussed why a way of water conservation which is making dam and reservoir on flowing water of river is named as the multi-purpose river project. इसका कारण हमने बताया कि क्यों ये multi-purpose river project कहा जाता है. चलिए अब इससे आगे आपको हम बताते हैं इस पर कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट हमारे एक बहुउद्देशीय योजना है जिसमें बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है. दुनिया के जो लगभग सारे देश हैं जहाँ पे रिवर्स बहते हैं, नदियों का बहाव है, वहाँ पे आपको मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया है. भारत में जो रिसेंट स्टोरी इसकी डेवलप होती है वो आपको आज़ादी के बाद से 1947 से जब हमने आज़ादी पाया और हमारी अपनी सरकार आई तो हम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट डेवलप किए. भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड हैं और इससे भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में वाटर सप्लाई एरिया वाइज या एरिया टू एरिया किया जाता है. आपको ये बतला दें कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वाटर का जो वाटर रिसोर्स की आमदनी मतलब रेनफॉल के रूप में भी हम बहुत प्रचुर मात्रा में रेनफॉल रिसीव करते हैं. यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और साथ ही साथ ये भी एक फैक्ट है कि भारत में जो वाटर का यूज़ है वो भी बहुत बड़े लेवल पर है क्योंकि ये घनी आबादी वाला देश है जहाँ पे पानी का वाटर का डिमांड बहुत बड़ी मात्रा में है. तो इससे पहले वीडियो में हमने बतलाया कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं जिसके आधार पर हम इसको मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं. चलिए उस बेनिफिट्स में हम कुछ और चीज़ जोड़ने वाले हैं कि ये जो बेनिफिट्स आपने देखा दरअसल में रिसेंट टाइम में इसके बहुत सारी इसकी हानियाँ हैं जो दृष्टिगोचर हुई हैं और जिसके आधार पर जगह जगह पर इसका अपोज भी हो रहा है इस सिस्टम का. तो इससे हानि क्या है इसको देखिए. सबसे पहले कि हमने कहा था कि ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट फ्लड को कंट्रोल करता है लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया है कि ये फ्लड को कंट्रोल तो करता है लेकिन ये बहुत बड़े फ्लड का कारण भी बन सकता है. अभी कुछ साल पहले ही भारत के बिहार में कोसी बैराज में जो दरार आया था उसके कारण सहरसा सुपौल मधेपुरा वगैरह का जो पूरे का पूरा एरिया था उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी. बहुत सारे लोग उसमें इन्फेक्टेड हुए थे ये आपने सुना होगा. टाइम टू टाइम बहुत सारा जो बैराज है डैम है उसमें दरार आती हैं उसमें टूट होता है जिसके कारण बहुत बड़ी क्षति होती है. हाल फिलहाल में अगर आप नहीं सुनते होंगे तो आप सुन रहे होंगे कि चाइना में बहुत बड़ा बाढ़ आया हुआ है और दुनिया का जो सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर चाइना में बनाया है वो अब टूटने के कगार पर पहुंच गया है. और ऐसा कहा जाता है कि अगर उसमें टूटन आया अगर वो टूटा तो इतनी बड़ी त्रासदी चाइना में होगी जिसकी कल्पना वहाँ के लोगों ने नहीं की होगी. तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं. अब आप समझिए कि इस तरह का टूटन उसमें होता क्यों है. तो दरअसल में नदियों के फ्लो को हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो नदी का फ्लो जब ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो उससे उसके थ्रू जो आने वाला सेडिमेंट्स है वो उसी वाटर रिजर्वर में आकर के जमा होने लगता है और परत दर परत सेडिमेंट्स के जमा होने से वाटर रिजर्वर की जो कैपेसिटी है वो कमती चली जाती है और अंततः वाटर का जो रिसोर्स है वो वही रहता है. तो एक समय ऐसा आता है जब वो अपने कैपेसिटी से अधिक वाटर को लेने के लिए बाध्य होता है और तब उसमें दरारें आती हैं टूटती हैं. इसका एक कारण तो ये है. दूसरा कारण मेंटेनेंस की कमी है. तीसरा कारण आपको लो कंस्ट्रक्शन वर्क है. तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण आपको डैम में टूट होता है. चलिए नेक्स्ट आपको इसकी हानि बतलाते हैं कि इस मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के बनने से एक बहुत बड़ी हानि होती है कि
ये जो बहुत बड़ा एरिया है उसको लिया जाता है इसके लिए, और जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से डिस्प्लेसमेंट होना होता है। तो इससे कल्चरली और सोशली उसको एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट के कारण उसके कल्चर पर भी और सोसाइटी सोशल जो एग्जिस्टेंस है उस पर आघात होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होने वाले लोगों को के पास अगर आप जाइए तो आपको ये बात समझ में आएगी इससे कितनी बड़ी हानि होती है। नेक्स्ट है, आपने को बताया कि सॉइल का जो मिट्टी का जो कटाव है और सॉइल इरोजन वो रुकता है। दरअसल में इसका अब जो नया रिजल्ट आ रहा है वो सॉइल का कटाव इससे रुकता नहीं है, बल्कि सॉइल को और भी हानि होती है। एक हानि तो होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अधिक वाटर के सप्लाई होने से वाटर का कंसम्पशन एग्रीकल्चर में अधिक बढ़ता है, जिसके कारण मिट्टी में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ती है, वो सेलाइन हो जाता है और उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो कम जाता है। उसका जो आपको मिट्टी का की जो गुणवत्ता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसका उदाहरण आप पंजाब और हरियाणा में जा कर के देखिए, जहाँ की मिट्टी आपको पूर्ण रूप से इस समस्या को फेस कर रही है। नेक्स्ट आइए कि इन्वायरमेंट को, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के निर्माण होने से इन्वायरमेंट को बहुत बड़ी हानि होती है। इन्वायरमेंट को हानि होती है कैसे, तो आपको इसके कारण मल्टीपर्पस रिवर के कंस्ट्रक्शन के कारण बहुत बड़ी मात्रा में आपको डिफॉरेस्टेशन करना होता है, जिस डिफॉरेस्टेशन के कारण आपको इन्वायरमेंट को बहुत बड़ी हानि होती है। तो ये सारी जो आपको तथ्य हमने बतलाया, आपको फैक्ट बतलाया, ये सारे फैक्ट हैं जिसके कारण अब जगह जगह पे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के का अपोज हो रहा है। जैसे भारत में ही आपको टेहरी डैम बन रहा है, उसका बहुत बड़े लेवल पे अपोज हो रहा है। सरदार सरोवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसका बहुत बड़े लेवल पे अपोज हो रहा है। नर्मदा डैम पर बहुत बड़ा अपोज हो रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वहाँ चल रहा है। तो इस तरह जगह जगह, ये केवल भारत की ही बात नहीं है, दुनिया के डिफरेंट देशों में इसका जो अपोज है वो चल रहा है। चलिए, इस अपोज के बावजूद भी ये सारे जो इसके विरोध में आंदोलन चल रहे हैं, इसके बावजूद भी दुनिया के डिफरेंट देशों में जगह जगह पे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। उसका कारण है कि जो इससे हानियां हैं उससे अधिक, इससे निश्चित रूप से और निर्विवाद रूप से उससे अधिक लाभ होता है, जिसके कारण अपोज होने के बावजूद भी इसका कंस्ट्रक्शन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, भारत के कुछ डैम के बारे में आपको जानकारी दें। इस पर आपको एक सलाह है कि आप नेट के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से भारत में किस नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है और वो किस राज्य में है, इसका एक इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी आप लोग लेने का प्रयास कीजिएगा। भारत के कुछ डैम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भाखड़ा नंगल डैम जो सतलज और ब्यास नदी पर सम्मिलित रूप से बना हुआ है, जो पंजाब में है, ये सबसे बड़ा डैम है। जो इसका एरिया है वो सबसे बड़ा एरिया है भाखड़ा नंगल डैम का, और दुनिया का सबसे ऊंचा जो डैम बना हुआ है वो हीराकुंड डैम है, जो महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे डैम भारत में बने हुए हैं, जिसकी गुणवत्ता है। आप एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जो डैम है वो भारत में ही बना हुआ है। तो इस तरह से भारत में कई आपको नोटेबल पॉइंट्स हैं डैम के बारे में, जो निश्चित रूप से आपको मैंने बताया, विस्तृत जानकारी आपको भी लेने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए, अब समय के अभाव के कारण हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। आगे के सेशन में फिर आगे की बात हम लोग करेंगे।